अश्विन, तुमने तो कहा था कि म्यूचुअल कंसेंट की बात चल रही है। तुमने तो कहा था कि डिवोर्स की बात चल रही है, और ये तो उसका भाई है जो वकील है। हमारा डिवोर्स बहुत जल्दी हो जाएगा, मुझ पे भरोसा रखो। अश्विन, मेरे घर में इस तरह का सीन दोबारा नहीं होना चाहिए, प्लीज। I promise you. I'm very scared. अब डिसीजन तुम्हें ही लेना है अनिता। मैं अब चुप नहीं रहूंगी भैया। तुम पेपर्स तैयार करो। मुझे मिसेस अश्विन कुमार जैसे नाम से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा प्यारी है। मैं उन दोनों को जेल भिजवा कर ही रहूंगी। देख सजनी, बुरा मत मानना, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ एक कमरे का फ्लैट ढूंढ के दे दे। अनिता, लिसन, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। तेरी अपनी जिंदगी है और मुझे भी इंडिपेंडेंट होना है। हाँ सजनी, अनिता ठीक कह रही है। बच्चों को मैं पंचगिनी के बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगी ताकि मैं भी अपना कोई करियर बना लूं। बोर्डिंग में जाने के लिए राजी होंगे रितिका और सिद्धार्थ? जब बच्चे माँ की प्रॉब्लम समझते हैं ना भैया, तो सब कुछ करने के लिए राजी हो जाते हैं। And they will understand कि मम्मी अब अकेली है, उसे ही सब कुछ संभालना है। और क्या, मुझे उनसे अलग रहना अच्छा लगेगा भैया। अश्विन कुमार को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मैं मोहिनी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं, उन्हें तो जिंदा रहना है, मैं तो अभी बहुत तड़पना है। जैसे मैं तड़पी इतने साल। सजनी ने अच्छी जगह ढूंढ के दी। हाँ भैया, तुम्हें याद है मेरी दोस्त कंचन? वो मॉडल कोऑर्डिनेटर? हाँ वही, सुबह गेट पर मिली थी, कह रही थी कि मैं उसे सोमवार को आके। तुम मॉडलिंग करोगी? हाँ भैया, एक वही काम है जो मुझे आता है। और तुम्हें याद है भैया, शादी से पहले मैं एक टॉप मॉडल थी। तुम कोई टीचर की नौकरी क्यों नहीं कर लेती? अरे भैया, उसके लिए भी आजकल बीएड करनी पड़ती है, पर वैसे मॉडलिंग में ज्यादा पैसे है भैया, है ना? तुम ऐसी प्रॉब्लम में हो कि बड़े भाई होने की हैसियत से मैं तुम्हें किसी काम के लिए रोक भी नहीं सकता हूँ। मुझ पे भरोसा रखो भैया, जिंदगी में गलती सिर्फ एक बार कर सकती हूँ, और इस बार मैं अपनी जिंदगी संवारना चाहती हूँ, बिगाड़ना नहीं। जानता हूँ तुम्हारी दो दो जिम्मेदारियां हैं रितिका और सिद्धार्थ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बैठो ना भैया, मैं देखती हूँ। शर्मा जी, आप यहाँ? नमस्कार रितिका जी, आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं। शर्मा जी, अनिता को पेन दो। हाँ। अश्विन कुमार, तुम्हें मेरी बहन के घर के अंदर आने की परमिशन किसने दी? उसी ने जिसने तुम्हें परमिशन दी थी मेरे घर के अंदर आने के लिए। साइन करो अनिता। अनिता, तुम साइन नहीं करोगे, इसे तो मैं देखता हूँ। अरे क्या देखेगा तू? क्या देखेगा? अश्विन,
कास्टिंग के बारे में क्या सोचा है? हमने सोचा है नया लड़का लड़की लेंगे। थैंक यू भाई। अंदर जी, मैं तो कहता हूँ कि क्यों ना हम दो फिल्में एक साथ शुरू करें। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। वैसे भी मेरे ख्याल से तुम दोनों ने ये प्रोडक्शन का काम जरा जल्दी शुरू कर लिया है। रामलाल जी, कभी ना कभी तो ये बिजनेस शुरू करना ही था। डायरेक्टर कौन है? आप। अच्छा। समझिए मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा है। तुम्हारा ये कहना ही बहुत है मेरे लिए। रामलाल जी, आपको फिल्म का टाइटल कैसे लगा? चाहत। रोमांटिक फिल्म है ना? तुम दोनों की जिंदगी की हर एक फिल्म तो अच्छी होने वाली है। अनीता का भाई है। तुम दोनों को चेतावनी देने के लिए हम भाई बहन को देखकर जो ड्रामा तुमने शुरू किया है ना अश्विन कुमार, उसका अंत दी एंड बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में ऐसी बेहुदा नाजायज शादी का अंजाम आने वाले कई सुपरस्टार याद रखेंगे और फिर ऐसी गिरी का कोई दोबारा नहीं करेगा। अश्विन कुमार, अगर मैं चाहता तो इस मारपीट की रिपोर्ट पुलिस में करके तुम्हें जेल भेज सकता था, लेकिन नहीं, तुम दोनों को 8 साल की उम्र भेजना होगा। मैं तुम्हारा इतिहास और भूगोल तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ मोहिनी देवी। जरा सोचो, इस शादी के बाद तुम तीन मोहिनी देवी नहीं बल्कि मिसेस मोहिनी कुमार बन गई, और वो भी एक नाजायज पत्नी। यही तुम्हारा फ्यूचर है। ये आदमी तो प्रोड्यूसर बना रहेगा जिंदगी भर, और उसकी जिंदगी में ना जाने कितनी मोहिनी देवी आई, शायद तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत और जवान। फिर तेरा क्या होगा मोहिनी देवी? देखता हूं तेरा मुंह कितने दिन तक रहेगा अश्विन कुमार। था क्यों किसी के घर में जाके यूं धमकी देना? ये तुमने अच्छा नहीं किया भैया। अगर वो पुलिस को बुला लेते तो? तुम भूल रही हो कि मैं एक वकील हूं। हाँ सो तो है, लेकिन अब तुम ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरा तो जी करता है कि उन दोनों का खून कर दो। सोचना है कि मैं अपने बच्चों की भलाई के लिए क्या क्या करूं, इसमें उनका क्या कसूर है? मेरे ख्याल से रितिका और सिद्धार्थ को तुम अश्विन के पास छोड़ दो। बच्चों की देखभाल करना बाप की लीगल ऑब्लिगेशन है। लीगल टर्म्स मुझे मत समझाओ भैया, अपने मिशन से हट जाऊंगी मैं। सिद्धार्थ अश्विन को कभी नहीं मिलेंगे, ये सुख उसे कभी नसीब नहीं होगा, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि माँ बाप की जगह तो ले सकती है, लेकिन बाप माँ की जगह कभी नहीं ले सकता। और अब रितिका और सिद्धार्थ के लिए मैं ही दोनों करियर में मुझे पहली बार लग रहा है कि तेरी बात मानकर मैं ये स्टोरी ना करूं अपनी मैगजीन में। हाँ सजनी, मैंने देवी को भी रिक्वेस्ट किया है। मोहिनी अश्विन के साथ बहुत लोग अटैच्ड हैं जिन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। शिफाली, मेरी मम्मी डैडी वनीता के बच्चे बहुत ही डिस्टर्ब्ड होंगे, लेकिन उस मोहिनी को क्या फर्क पड़ता है? पता नहीं कहां से आ गई वो अनाथ चुड़ैल। फिर भी सजनी, इस स्टोरी को मत प्रिंट कर। शिफाली, हम दोनों बहनें किसी को छोड़ने वाली नहीं है। तो अनीता मोहिनी को जेल भिजवाएगी? शिफाली, अनीता बहुत ही गुस्से में है, स्पेशली वो
उस दिन से जब अश्विन उसके घर तोड़फोड़ करके गया था। सजनी, मैं अनीता से मिलना चाहती हूँ। शुभ, कब लेके चलूँ? मैं उसे अकेले में मिलना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ दो लोगों के बीच हो सकती हैं। सजनी ने कहा कि तुम उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड हो, तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिला जाए। पर सजनी एक जर्नलिस्ट है जो मेरी दोस्त है। तो तुम सजनी को अपने बारे में सब कुछ बता देती हो? कुछ कुछ। समझदार हो। लेकिन तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी शिफाली? अनीता, तुम मोहिनी अश्विन की शादी का क्या कर रही हो? उससे तुम्हें क्या? मैं जो करना चाहती थी वो तुमने उसी पार्टी में रोक दिया था। जवाब मैं उसे चाटे से देना चाहती थी। अगर तुमने मेरा हाथ रोक लिया, क्या मैं पूछ सकती हूं क्यों? इस तरह दो औरतों के बीच पार्टी में झगड़ा हो अच्छा लगता है क्या? तो तुमने मोहिनी का हाथ क्यों नहीं पकड़ा शिफाली? वो इसलिए क्योंकि मोहिनी एक बहुत बड़ी स्टार है और तुम उसके साथ फिल्म में काम कर रही हो। मेरी यहाँ क्या हैसियत है? नहीं, तुम मुझे गलत मत समझो प्लीज। मैंने समझना छोड़ दिया है शिफाली? सिर्फ समझाना चाहती हूँ मैं। और तुम मुझे ये सलाह मत दो कि मुझे उन दोनों के साथ क्या सलूक करना है, क्योंकि एक मेरा पति है और दूसरी मेरी सौत, और मैं उन दोनों को 8 साल के लिए कैद करवा के ही रहूंगा। इंसानियत के नाते मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ प्लीज। मोहिनी जी को जेल मत भिजवाओ। शिफाली, सजनी ने मुझसे कहा था कि तुम मोहिनी से बहुत नफरत करती हो, तो उसे बचाने के लिए तुम मुझसे क्यों रिक्वेस्ट कर रही हो? क्यों शिफाली, क्यों? क्या लगती है मोहिनी तुम्हारी? वो मेरी माँ है। क्या? तुम्हारी माँ? आइए। वाह, लाइक इट? वेरी नाइस। बहुत सुंदर ऑफिस बनाया तुमने भाई अश्विन। चाहत और मैं आपका घर संभालूंगी। आपका नहीं, हमारा। राइट। अश्विन, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है सिवाय तुम्हारे इस ब्रदर इन लॉ अमर सिंह के। एक्स ब्रदर इन लॉ को, उसे तो मैं देख लूंगा। अश्विन, मुझे कोर्ट वर्क का झंझट नहीं चाहिए। कुछ नहीं करेगा, क्या कर सकता है? और अनीता? वो क्या कर सकती है? अब उसे चुप तो रहना पड़ेगा, और वो भी बच्चों के खातिर। क्या सोच रही हो अनीता? तुम्हारी हिम्मत और साहस के बारे में सोच रही थी मैं। यू आर क्वाइट अ गर्ल शिफाली। तुम ये सब सजनी से शेयर मत करो प्लीज। नहीं शेयर करूंगी, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझती हूँ और दुख भी। लेकिन तुम अपनी माँ की तुम मोहिनी की शादी के बारे में क्या करोगी? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मैंने सजनी और देवी से रिक्वेस्ट की है कि वो कहानी प्रिंट ना करें। और तुम्हें लगता है कि वो मान जाएंगी? अगर घर वालों तक ये बात पहुंच गई तो कसम हो जाएगा। तुम्हारा मुंबई में कोई रिश्तेदार दोस्त है? हाँ, है, संजय कुमार। वो सिंगर? हाँ, बहुत प्यार करता है मुझसे।
में किसी के प्यार पे भरोसा मत करना तुम। जैसे जैसे उसे सफलता मिलती जाएगी उतनी ही उसकी प्यार की गहराई कम होती जाएगी। लेकिन हम दोनों सीरियस हैं, शादी कर रहे हैं। अभी तक की तो नहीं ना। देखो मेरी बातों का बुरा मत मानना तुम, डिप्रेस मत होना तुम प्लीज। इट्स ऑलराइट एंड इट्स डेस्टिनी टू। वैसे शिफाली एक बात पूछूं तुमसे, मोहिनी देवी इतनी बड़ी लड़की की मां नहीं लगती? ताज्जुब होता है देखकर। कॉस्मेटिक सर्जरी यू नो। कई स्टार्स को रात को उनके बेडरूम में देखो तो उनकी उम्र का अंदाजा होगा जब उनके मेकअप विग्स और डेंचर्स उतरते हैं। जब हम दोनों इतनी सारी प्रॉब्लम्स में एक साथ हंस सकते हैं तो हम दोनों में जरूर अच्छी दोस्ती भी हो सकती है, क्यों? और एक नया रिश्ता भी है।